एक्शन इज द की। अगर आपने बैट्समैन को आउट करना है तो आपका एक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये रिस्ट पोजीशन और उंगलियों की पोजीशन चेंज होती है जिससे आप बैट्समैन को डिसीव कर सकते हैं, जिससे आपको बैट्समैनों के पास बहुत कम टाइम होता है कि आपके हाथ को रीड कर सकें। दूसरा फ्लिपर है, फ्लिपर यासर ऐसे भी करते हैं, बिल्कुल पाम से करते हैं। आपने जब आना है, आपने जैसे ऐसे किया तो ऐसे करने के बजाय आपने पाम को सीधा रख के पुश करना होता है इसको, उंगलियों को इस तरह, वो सीधा रह जाता है। और एक जो फ्लिपर सब लड़कों के साथ मैं काम भी कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, ये शेन वॉन भी करते थे, मैंने अपने कैरियर के एंड में शुरू किया था तो बड़ा सक्सेसफुल हुआ इसके लिए। आप यासर से भी काम हो रहा है इसके साथ, जो नए लड़के आ रहे हैं उनको बताया गया है थ्योरी क्या है, वो है आपने फिंगर को फ्लिक करना होता है, जैसे है ना इसको इस तरह फेंकना होता है नीचे से ऐसे। अब देखा ये बॉल कितनी तेज़ी से जा रहा है, ये आपने इसको, इस उंगलियों को, ये वाली मिडल वाली फिंगर जो है ना इसको, और ये थंब को, इसको आपने जैसे कहते हैं ना, अनदर वर्ड्स हम अपनी ज़ुबान में बोलते हैं जैसे चुटकी मारनी, चुटकी मारनी, तो चुटकी लगनी है ऐसे लगती है। फिर आप जब ऐसे जाते हैं तो ये बॉल आपका बहुत तेज़ जाता है और बैट्समैन को बिल्कुल रिसीव कर देता है। तो इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, एक्शन की ज़रूरत होती है। तो ये कोचेज़ जब किसी भी लेग स्पिनर के साथ काम करें, ये जो चार डिलीवरीज़ हैं इनको बंदा अपने ग्रिप चेंज किए बगैर चारों के चारों बॉल कर सकता है, क्रीज़ को यूज़ कर सकता है, क्लोज ऑफ द स्टंप मिडल से कर सकता है, बाहर से कर सकता है, एक्शन चेंज नहीं करना होता, हाथ चेंज नहीं करना होता। बट ये सारी चीज़ें आप जब कर लेते हो, एक्सपर्ट हो जाते हो अपने एक्शन को पूरा करने के लिए, जैसे मैं बहुत फोकस करता हूँ अकेडमी में, जितने भी स्पिनर आते हैं, चाहे वो लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, चाहे वो ऑफ स्पिनर हो, उनका एक्शन रिपीटेबल होना चाहिए। रिपीटेबल एक्शन विल अलाउ यू टू परफॉर्म वेल विद योर वेरिएशन, क्योंकि फिर आप गंदे बॉल नहीं करते, अच्छे बॉल ज़्यादा करते हो, और अच्छे ओवर्स करके ही आपको विकटें मिलती हैं, अच्छे बॉलों से विकटें नहीं मिलती, चाहे वो 20-20 हो, चाहे वो 50 ओवर हो, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो। तो इसके लिए रिपीटेबल एक्शन होना बहुत ज़रूरी है। बाकी मैंने आपको ग्रिप के बारे में, स्पिन के बारे में, गुगली फ्लिपर के बारे में बता दिया है, बट आई होप सो इंशाल्लाह ताला आपके साथ ऐसे सेशन करते रहेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो थ्रू दिस वेबसाइट यू कैन ऑलवेज कम बैक।